गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर महाराज, और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, पीठ नहीं, पीठ नहीं। कई कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये दो चीजें एक ऐसी हैं जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, गंजा बाबा रहे सो क्या बोलते हैं हम लोग, कहते कुबेर स्टेचू बोलते हैं उसको, ये भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता महाराज। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं है। एक रुपया कमाओगे सवा रुपया खर्च हो, और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना, जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में, और यहां तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है महाराज, उसका भी शास्त्र प्रमाण महाराज। लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है शिव को और गणेश को, बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है, और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है महाराज। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ठीक है। ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, बिशहरा, शामरीबारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां, जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं, और कल से चतुर्थी लग रही है, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र, 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर,
लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें, एक शमी पत्र। और महाराज टीका दिया, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना जरूर। करके देखो एक बार गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का मूल स्थान। आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया फिर वापिस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है, सदा आराधना। और देखो ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण का, मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये पक्का है। पर हमें बताना जरूर व्हाट्सएप पर, हो मैसेज जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको 10 दिन के अंदर, बोलना जरूर। कर देखिए शिव स्मरण, भगवान गणेश शिव। तीसरा क्रम, गणेश जी की मूर्ति जब लेकर आओ तो गले में जनेऊ के रूप में या कमर पर सर्प जरूर होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ के रूप में सांप हो या कमर पर बंधा हुआ सांप हो, वो गणेश जी संपदा देने में पीछे हटते ही नहीं। गणेश जी की मूर्ति में कंधे पे जनेऊ के रूप में सांप हो या पेट पर कमर पर सांप बंधा हो, वो संपदा देने में कमी नहीं रखी, अपार संपदा। शिव पुराण कहती है चाहे सोमवार करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, एकादशी करो, प्रदोष करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर तुम्हारे चेहरे पर उस व्रत में प्रसन्नता होना चाहिए। अगर चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करता। आज हरताली का तीज है, कल चतुर्थी है, पंचमी है, आप जो भी व्रत करो आपके चेहरे पर